तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है केश और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में कुछ खास अपने एक मेहमान जो कि मेरे गुरु हैं उनके विषय में कुछ बातें करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, मैं आज उस शख्स के विषय में बात करने वाला हूं जिनके वीडियोस को देख के काफ़ी से बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे मैं मनोज देव, टेक्निकल गुरु जी भी मतलब उनसे मानिए तो कुछ एक्सपायर होके ही दोस्तों आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बातें करने वाला हूँ माई स्मार्ट सपोर्ट धर्मेंद्र सर की। दोस्तों, कल उनका एक मैंने वीडियोज देखा था, उस वीडियोज में दोस्तों उन्होंने मतलब लिखे थे कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है पर 5K भी व्यूज नहीं आते हैं। तो दोस्तों, इसका मेन रीजन क्या है और इसमें से मतलब दोस्तों मैं उनके वीडियो को करीब 2-3 साल पहले से देखता हूँ तो मुझे भी मतलब उनके वीडियोज को देख के कुछ मतलब उनमें कमी दिखी है। मैं कमी नहीं कह सकता हूँ दोस्तों, बट उनमें के मतलब जो कि कमी है उस कमी को मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों के अंदर बताने वाला हूँ कि धर्मेंद्र सर ने मतलब कैसे क्या किया है कि उनके चैनल पे व्यूज नहीं आते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र सर जो वीडियोज बनाते हैं उनका वीडियो का जो क्वालिटी भी है अच्छा है, थंबनेल भी अच्छा बनाते हैं, टाइटल भी अच्छा है, डिस्क्रिप्शन भी अच्छा है। उनके वीडियोज पे 3-4 लाख ऐसे जो कि वो यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स बताए हैं उस पर मिलियन ऑफ व्यूज भी है दोस्तों। तो दोस्तों, इस समय उनके चैनल पे व्यूज क्यों नहीं आते हैं, उनके वीडियोज पे जो वीडियोज अपलोड करते हैं फिलहाल में उस पर व्यूज क्यों नहीं आते हैं? तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जब धर्मेंद्र सर पहले यूट्यूब टिप्स देते थे और आज की डेट में वो मतलब गैजेट या कोई मोबाइल फोन या ट्राईपोड की मतलब अनबॉक्सिंग करते हैं, तो दोस्तों उनके पास जो ऑडियंस है वो मतलब यूट्यूब टिप्स के लिए है और वो वहाँ पे अलग चीज़ दे रहे हैं, इसलिए ऑडियंस उस चीज़ को पसंद नहीं करती है और उस पर व्यूज नहीं जाते हैं। और दोस्तों, उन्होंने वीडियो में ये भी बोला था कि मेरे कुछ वीडियोज ऐसे हैं जिन्हें मैं गूगल एडवर्ड के थ्रू प्रमोट करता हूँ। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि धर्मेंद्र सर की मुझे तो उम्मीद नहीं है कि उनके वीडियोज पे गूगल एडवर्ड के थ्रू मतलब प्रमोट होता है, जो कि यूट्यूब टिप्स देते हैं तो उनके वीडियोज पे काफ़ी व्यूज आती है। जैसे कि मैं भी उनके एक वीडियोज को कम से कम 2-3 बार देखता हूँ यूट्यूब टिप्स होता है, बल्कि दोस्तों उनके वीडियोज में एक बात जरूर है कि उनके एक वीडियोज को कोई देखता है तो उन्हें ये पता अवश्य लग जाता है कि मतलब जो उन्होंने वीडियो में एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया है वो वीडियो एक ही बार देखने में आपको समझ में आ जाता है, इतने सरल और इतने आसान तरीके से धर्मेंद्र सर बताते हैं। तो दोस्तों, उनका सबसे मेन रीज़न यही है मेरे कहने के हिसाब से और मेरे मतलब जो भी कॉन्फिडेंस है उसके हिसाब से कि वो अपने वीडियोज़ को डेली अपलोड नहीं करते हैं। दोस्तों, यहीं पर उनसे पीछे उन्हीं का चेहरा मतलब एग्जाम्पल के तौर में मनोज दे को बात करने वाला हूँ दोस्तों कि इनके वीडियोज पे 1 घंटे में 70,000-75,000 भी व्यूज आ जाते हैं कोई कोई वीडियोज पे दोस्तों, जो कि मैक्सिमम उनके इस समय भी जो भी वीडियोज अपलोड हो रहे हैं 1 मिलियन उनके भी सब्सक्राइबर्स हाल ही में कंप्लीट हुए हैं। तो उस वीडियोज में दोस्तों इस समय कोई भी वीडियो डाल रहे हैं मनोज दे तो 1 लाख व्यूज तो अवश्य आ ही जाते हैं दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा वीडियो है जिससे 1 लाख से कम व्यूज आते हैं। तो दोस्तों, इसका मेन रीजन है कि मनोज दे यूट्यूब टिप्स देते हैं, शायद ही कोई गैजेट रिव्यू करते हैं मतलब कभी कभी। तो ऐसे क्या होता है दोस्तों कि जो ऑडियंस है उनके मतलब वीडियोस को आते ही देखते हैं, बट धर्मेंद्र सर ऐसा करते हैं कि जो उनका गैजेट पे गैजेट मतलब ऐसे कितने मतलब रिव्यू की वीडियो आती है और शायद एक यूट्यूब टिप्स आता है कभी कभी। तो ऐसे वो बोल रहे थे कि मैं यूट्यूब टिप्स क्यों दूँ जो कि मेरे वीडियोज पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, फिर लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि धर्मेंद्र सर यदि मेरे वीडियोस को देखते हैं या देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आप अपने वीडियोस पे आप अपने चैनल पे कंटिन्यू वीडियोस डालिए यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड। देखिए, आपके चैनल
ओनली वन 5 डे में फिर पहले के जैसा व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा, मुझे उम्मीद है सर। यदि आप वीडियोज देखते हैं तो ऐसा अवश्य करें, क्योंकि मैं आपके पास मेल तो किया नहीं हूँ, बट करेंगे तो आप देखेंगे या नहीं, इसी वजह से मैंने मेल किया ही नहीं हूँ सर। आप चाहें तो इस प्रकार से करके अपने वीडियोज को अच्छा से अच्छा व्यूज फिर ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आई होप ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा के प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।